हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माइसेल्फ अनु कुशवाहा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं और अभी तक 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के भी अभी तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो बिल्कुल सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बनाया है चारों यूनिट के लिए, अभी तक जो हमने पढ़ाया है और जो चल रहा है उसके लिए। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले के सभी लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा पूरा फोकस होगा लेंस के ऊपर। तो ये जितना भी टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ, ये सब लेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हाँ, और एक चीज़ आपको बता दें कि जिन्होंने मिरर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स थे, साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, वो सारी चीज़ें मिरर के केस में जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उनको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके सिमिलर आपको यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पर भी आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको इमेज फॉर्मेशन करना है कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैच करेंगे, ऐसे जैसे वहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपने देखा था, यहाँ भी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उसके सिमिलर हैं, तो अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी मिरर को अच्छे से पढ़ रखा है तो ये चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे लेंस मेकर फार्मूला है और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फीरिकल सर्फेसेस है, तो ये 2-4 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इन सारे टॉपिक को हम पढ़ने की बजाय टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेंस क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए, लेंस की डिफिनीशन होती है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजीनियस होना चाहिए, इट इज़ अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू कर्व सरफेस और वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेस, वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेस। तो ध्यान से देखिए आप लेंस की डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ, कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होना चाहिए वो किसके, उसका जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो बाउंडेड बिटवीन टू कर्व सरफेस, या तो दोनों सरफेस कर्व हो, कर्व का मतलब समझ रहे ना, घुमावदार, दैट मीन्स कॉन्केव होना चाहिए या फिर कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो या तो दोनों कर्व सरफेस के बीच में जो बाउंडेड मीडियम है वो लेंस है, या फिर एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस के बीच में बाउंडेड जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो भी क्या है, लेंस है। तो कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि लेंस बनाने के लिए कम से कम एक कर्व सरफेस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि लेंस में एटलीस्ट वन कर्व सरफेस होता है, एटलीस्ट वन कर्व सरफेस होगा तभी वो लेंस बोला जाएगा। अगर दोनों के दोनों प्लेन सरफेस हो गए तो फिर वो लेंस नहीं बल्कि वो ग्लास प्लेट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ये सरफेस और ये सरफेस दोनों ऐसे घुमावदार है तब भी ये लेंस है, और एक ऐसे घुमावदार है, एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस है, तब भी ये लेंस है। लेकिन अगर दोनों के दोनों प्लेन सरफेस के बीच में बाउंडेड मीडियम लेंगे तो फिर ये ग्लास प्लेट बोला जाएगा, ये लेंस नहीं बोला जाएगा। और इससे जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी कहानी पीछे हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इस तरह के सरफेसेस की बात करने वाले, ठीक है। हाँ, एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए इसी तरीके के तीन प्लेन सरफेसेस के बीच का बाउंडेड मीडियम ले लें तो फिर इसको प्रिज्म बोलेंगे, और इसकी कहानी हम अगले लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां से जो डिफरेंस है लेंस, ग्लास प्लेट और प्रिज्म के बीच में, तो प्रिज्म में क्या होता है कि तीन प्लेन सरफेसेस के बीच में बाउंडेड जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है वो आपका प्रिज्म हुआ, दो प्लेन सरफेसेस के बीच में बाउंडेड मीडियम है ये आपका लेंस हुआ, सॉरी ग्लास प्लेट हुआ, और कम से कम अगर एक कर्व सरफेस मौजूद है, या तो दोनों रहे या तो फिर कम से कम एक कर्व सरफेस मौजूद हो, तो ऐसे बाउंडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे, क्लियर। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेंस, ग्लास प्लेट और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। तो इस बेसिस पर अब हम डिस्कस कर सकते हैं टाइप्स ऑफ लेंस की।
तो जो लेंस के टाइप की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसको दो भाग में बांटते हैं लेंस को, कौन कौन से? तो वही जो आपने मिरर के केस में देखा था, स्फीरिकल मिरर दो टाइप के होते थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वैसे इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के भी तीन टाइप हैं, इस कॉनकेव के भी तीन टाइप हैं। तो किस तरह से वो टाइप डिसाइड किए जाएंगे, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे रखा जाएगा? तो आप देखिए, अगर दोनों के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, देखिए इधर भी कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ है, इधर भी उभरा हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, बल्गिंग सरफेस। तो अगर दोनों के दोनों सरफेस बल्गिंग सरफेस हो तो भी ये कॉन्वेक्स है, और पहला सरफेस इसका प्लेन हो जाए, सपोज एक एक सरफेस इसका प्लेन हो जाए और दूसरा सरफेस बल्गिंग सरफेस हो यानी कॉन्वेक्स हो, तो एक प्लेन हो और एक कॉन्वेक्स हो, तब भी इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर तीसरा देखा जाए कि अगर ये प्लेन की बजाय यहां पर कोई कॉनकेव सरफेस हो, दबा हुआ सरफेस हो, और इधर वो आपका उभरा हुआ सरफेस हो, अब यहां पर आपको डाउट हो गया होगा कि अगर हम इसको दबा हुआ सरफेस बोल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे टाइप का ये भी दिख रहा है, तो इसको उभरा हुआ सरफेस कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो राइट सरफेस को राइट से ऑब्जर्व करना है आपको, लेफ्ट सरफेस को लेफ्ट से। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो ये सरफेस आपको कर्व सर मतलब दबा हुआ सरफेस दिख रहा है यानी कॉनकेव है, और इधर से अब आप इस वाले सरफेस को नहीं देख सकते, इस वाले सरफेस को आपको इसी साइड से देखना है, तो इस साइड से आप देखेंगे तो ये दबा हुआ नहीं बल्कि ये उभरा हुआ सरफेस है, ये बिल्कुल इसी टाइप का तो है, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये दोनों लाइनें इस एक ही टाइप से खींची गई हैं, इसको कॉनकेव और इसको कॉन्वेक्स सरफेस क्यों बोल रहे हैं। तो जिस भी सरफेस की आप बात करते हैं आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी उसी तरफ होना चाहिए, तो इधर से हम देखेंगे तो ये कॉनकेव दिखेगा, इधर से हम देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स दिखेगा, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों आपके क्या बोले जाएंगे? कॉन्वेक्स बोले जाएंगे। नाम कैसे रखेंगे? देखिए ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो आप कह सकते हैं दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी बात, देखिए इधर भी कॉन्वेक्स है, इधर भी कॉन्वेक्स है, तो इसी को हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? और इसी को और हम क्या बोल सकते हैं? दोनों साइड से कॉन्वेक्स है तो इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो इतने तरीके से इसका नाम बोला जाता है, ये कौन सा लेंस है? अच्छा, नॉर्मली हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में यही चित्र आता है, तो ये तो कॉन्वेक्स है, बट कॉन्वेक्स के और भी टाइप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका और डिटेल में अगर और एग्जैक्ट नाम लिया जाए तो कॉन्वेक्स में भी कौन सा कॉन्वेक्स है, तो बाई कॉन्वेक्स कह सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स कह सकते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कह सकते हैं। इसका नाम रखना है तो क्या बोलेंगे? देखिए प्लेन सरफेस है तो प्लेन लेंस तो है नहीं, इसका नाम तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी बात करें तो ये देखिए कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? बिल्कुल इसी टाइप से कॉनकेव लेंस का भी टाइप आप पढ़ सकते हैं, कॉनकेव लेंस को भी तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर नाम कॉनकेव है तो कम से कम एक सरफेस कॉनकेव होना जरूरी है, तो अगर दो के दोनों सरफेस कॉनकेव हो, दबे हुए हों, देखिए इधर से ये भी दबा हुआ है, इधर से ये भी दबा हुआ है, दोनों कॉनकेव है तो ये कॉनकेव लेंस बोला जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि एक सरफेस प्लेन हो लेकिन एक सरफेस कॉनकेव हो, तब भी ये कॉनकेव लेंस बोला जाएगा। और अगर ऐसा हो कि एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस कॉनकेव हो, तब भी ये क्या बोला जाएगा? तब भी ये आपका कॉनकेव लेंस बोला जाएगा, तब भी ये कॉनकेव लेंस बोला जाएगा। अब आप देखिए यहां से दोनों अगर कॉनकेव हैं तो क्या नाम रख सकते हैं इसका? बाई कॉनकेव, और क्या बोल सकते हैं? डबल कॉनकेव बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? कॉनकेवो कॉनकेव बोल सकते हैं। तो तीनों नॉमेनक्लेचर हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा हमको साइड करना पड़ेगा, ये आपका क्या था? इसका नाम था कॉनकेवो कॉनवेक्स, ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा? बाई कॉनकेव या फिर डबल कॉनकेव या फिर कॉनकेवो कॉनकेव,
ठीक है ना। अब इसके नाम की बात कर रहे हैं तो एक प्लेन है एक कॉनकेव है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसका नाम क्या होगा, इधर से आप देखिए ये कॉन्वेक्स है और इधर से आप देखिए ये कॉनकेव है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस और ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंस के टाइप को क्लासिफाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो टाइप हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स के तीन टाइप, उसी तरीके से कॉनकेव के भी तीन टाइप, ठीक है। हाँ, एक और नाम हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं जिसके बारे में डिटेल में आगे आपको समझाएंगे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे आपने मिरर में पढ़ा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो आपने देखा कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसको वो कन्वर्ज कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उसको हम बोलते थे कि ऐसा लेंस जो लाइट को कन्वर्ज एक पॉइंट पर फोकस कर दे, कन्वर्ज कर दे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और जो मिरर लाइट को स्कैटर करता था, फैला देता था, डाइवर्ज करता था, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, जिसको हम कॉन्वेक्स भी कहते थे। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हैं, इनके ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये क्या करता है, उस सभी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को, इसी को और क्या कहा जाता है, इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ये लेंस क्या करता है, इसके ऊपर जब आप लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और एक चीज ध्यान रहे, मिरर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां जो कन्वर्जिंग नेचर था वो किसका था, वहां कन्वर्जिंग नेचर था कॉनकेव मिरर का, यहां कन्वर्जिंग नेचर किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कभी भी इस तरीके से याद करने की कोशिश मत करिएगा कि कॉन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग बोलेंगे या कॉन्वेक्स को ही डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग इस शब्द के हिसाब से आप कनेक्ट मत करेंगे, नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर करेंगे कि कौन लाइट को कन्वर्ज करता है और कौन डाइवर्ज करता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए कन्वर्जिंग है। लेकिन वहां पर लाइट को कन्वर्ज कौन करता था, कॉनकेव मिरर, तो फिर वो कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है। तो जस्ट उल्टा हो रहा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसको, तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे मिरर में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी थे, पोल होता था, फोकस होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं लेंस से रिलेटेड। देखिए टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो दोनों ही केस में हम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। तो सपोज हम कॉन्वेक्स की अगर बात करें, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स में भी कौन सा कॉन्वेक्स है, तो ये बाई कॉन्वेक्स है। ऐसे ही हम अगर बाई कॉनकेव ले लें, ये हमारा बाई कॉनकेव लेंस है। तो जो टर्मिनोलॉजी यहां पर मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं वो है ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सबसे मुख्य है। उसके अलावा प्रिंसिपल फोकस वगैरह भी है। तो मान लीजिए अगर हम इसी लेंस की बात करें तो कैसा दिख रहा है ये लेंस, एक इधर स्फीयरिकल सरफेस दिख रहा है, एक स्फीयरिकल सरफेस इधर दिख रहा है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो स्फीयरिकल सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, वो किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, और इसी तरीके से ये जो स्फीयरिकल सरफेस है ये भी किसी स्फीयर का ही एक पार्ट होगा, है ना। बिल्कुल सेम टाइप से इसमें भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो स्फीयर बनेगा इसका एक पार्ट इधर वाले का इधर स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जिस भी जो भी स्फीयर की आप यहाँ बात कर रहे हैं, उस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, यहाँ पर एक सेंटर होगा और इस वाले स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा। इसी सेंटर को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को तो हम पीछे भी तो कहते थे, लेकिन मिरर में क्या होता था, अगर मिरर की बात करें तो एक सिंगल सा कर्व सरफेस बनता था, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, एक ही स्फीयर बनता था। तो उसी स्फीयर का जो सेंटर होता था उसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर दो दो कर्व सरफेस हैं, तो दो दो कर्व सरफेस हैं तो उसके दो दो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, और ये वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम बोलेंगे C1 और इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलेंगे C2। ध्यान रखिए ये मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं। अगर सेम चीज हम कॉनकेव में देखें, यही डायग्राम हम कॉनकेव के लिए बनाएं, सपोज कि ये हमारा कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस का इधर वाला स्फीयर बनेगा ये, और ये वाला स्फीयर दूसरा वाला आपका इस साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इधर जो सेंटर बनता है, इस सेंटर को हम C2 कहते हैं और इधर वाले सेंटर को C1। जस्ट उल्टा है,
यानी इसमें C1 C2 का सीक्वेंस है और इसमें C2 C1 का सीक्वेंस है, बस इतना ही अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। तो आपका लेंस जिस भी स्फीयर का एक पार्ट होता है, इसके जो कर्व सरफेस होते हैं वो जिस स्फीयर के एक पार्ट होते हैं उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो C1 और C2 यहां पर जो है पॉइंट C1 और C2 दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिरर में भी आपने देखा है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद एक पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो वहां पर क्या था, जब पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते थे तब जो हमको लाइन मिलती थी उसको हम बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस कैसे मिलेगा, जब हम C1 और C2 को आपस में मिलाएंगे, मतलब C1 से C2 तक जाने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। इसी तरह से यहां पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव लेंस। और वहां पर भी आप कहते थे मिरर के यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलेंगे, उसी के बेसिस पर आप यहाँ पर भी शब्द यूज कर सकते हैं, इसको आप पोल बोल सकते हैं, इसको भी आप पोल बोल सकते हैं। तो ये C1 है तो इस पोल को हम P1 बोलेंगे, ये C2 है तो इस पोल को हम P2 बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये C2 है तो यहाँ पर जो पोल होगा उसको हम P2 बोल सकते हैं, ये C1 है तो यहाँ जो पोल है उसको हम P1 बोल सकते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म आता था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, आप पढ़ते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मिरर के केस में हम लोग यही करते थे कि पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, इसी डिस्टेंस को बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहां पर आप देखिए, क्योंकि मिरर में सिंपल सा ये प्लेन सरफेस होता, मतलब ये कर्व सरफेस होता था, एक सिंगल कर्व सरफेस होता था, तो उसमें बहुत ही आसान था ये डिस्टेंस। अभी आप देखिए ये लेंस आपका इतना मोटा, इतनी थिकनेस है इस लेंस की, तो जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से या फिर यहां से निकालेंगे वो किसके बीच मेजर किया जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाले पॉइंट को यहां से ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस मिरर को, सॉरी इस लेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बीच वाली लाइन। तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो C1 है उसको चाहे इस पॉइंट से मिलाइए, क्योंकि देखिए ये जो C1 है वो जिस स्फीयर का एक सेंटर है, जब हम उस स्फीयर के सरफेस पर जाएंगे, बाउंड्री पर जाएंगे, तभी तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो इसका मतलब कि C1 के केस में आप चाहे इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए ऐसे, तब भी ये आप मान सकते हैं कि ये अपने इस सरफेस से मिल गया, मतलब इस सर्कमफेरेंस जो होती है, इसकी परिधि जो होती है उससे मिल गया, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इस पॉइंट से मिला देंगे तब भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप C2 को यहां से मिला सकते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और बहुत सारी जगहों पर इस चीज को ऐसे न दिखा के सीधे ये दिखाते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट M है और ये कोई पॉइंट N है, तो M और N को मिलाने वाली ये जो लाइन है, यहां पर जो पॉइंट है, उस बीच वाले पॉइंट से भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को इधर और इधर मेजर कर सकते थे, है ना, ज्यादा डिफरेंस इसमें और इसमें नहीं होगा। बट स्टैंडर्ड तरीका यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो ये दोनों डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए। और अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है और ये बाई कॉन्केव लेंस है, इसमें भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको मेजर करना है तो बिल्कुल बीच से एक पॉइंट ले जाएंगे, और बिल्कुल बीच से जब पॉइंट पास होगा तो यहां पर C2 है, तो इससे आप इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, R2। यहां पर आप इसको मिलाएंगे क्या बनेगा, R1। ठीक है, तो R2 और R1 बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव के लिए इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए आप उसको R2 और R1 की लेंथ को इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं आपको नॉर्मली ऐसे हम लेंस की बात करेंगे अपने इस सिलेबस में, न्यूमेरिकल्स में, जहां पर दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होते हैं। बट ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंस ऐसा हो कि एक सरफेस की कर्वनेस ज्यादा हो और दूसरे सरफेस की कर्वनेस कम हो। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एक का रेडियस अलग आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग आएगा। तो अगर दोनों एकदम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इक्वल टू R2 होता है, और मोस्टली आपके न्यूमेरिकल जो दिए जाते हैं उसमें R1 और R2 इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको आप नोट कर लें। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस का। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए हमको डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको दोनों को मिटा दे रहे हैं यहां से। तो आप समझ गए हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर
और रेडियस ऑफ कर्वेचर वही जो उसका रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और आगे भी बढ़ा सकते हैं इधर भी इसको भी इधर और इधर बढ़ा सकते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और लेंस के पास कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं, लेंस के पास कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो मान लीजिए हम सबसे पहले बात कर लें कॉन्वेक्स की, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में देखिए इधर आपने देखा था एक C1 पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट C2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल बीच में यहाँ पर और बिल्कुल बीच में यहाँ पर दो और पॉइंट होंगे जिनको हम फोकस बोलेंगे। इस वाले पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस F1 बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम सेकेंड फोकस F2 बोलेंगे, है ना, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। डिफिनीशन की अगर हम बात करें फर्स्ट या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की, तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की डिफिनीशन इस तरीके से दी जाती है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से होता मतलब जाते हैं ये सभी लाइन रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर कन्वर्ज होते हैं वो पॉइंट ही इस लेंस का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। ये तो ये इसकी डिफिनीशन है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की। आप डायग्राम से इसको बता सकते हैं कि लेंस के प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसको हम उस लेंस का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्केव के केस में कुछ सिचुएशन अलग हो सकती है। देखिए कॉन्केव के केस में अगर हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो इसमें भी हम पैरेलल रे इंसिडेंट करके चेक करते हैं, वैसे इसमें इधर C2 होता है और इधर C1 होता है ये आपको पता है। तो इसमें जब पैरेलल रे इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या करती है, ये चूंकि इसका डाइवर्जिंग नेचर होता है ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करती, ये तो कन्वर्ज करती क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ये डाइवर्ज करती है। तो ये जब डाइवर्ज करती है इसको इधर डाइवर्ज करेगी, इसको इधर डाइवर्ज करेगी, इन दोनों को आप पीछे ले जाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई अपीयर होंगी, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस F2। तो दोनों में प्रॉपर्टी हमने डिफिनीशन के लिए जो टर्म यूज किया वो सेम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है या जिस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है वो लेंस का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है। तो दोनों की डिफिनेशन को आप एक ही में मर्ज कर सकते हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें एग्जैक्टली रियल में उस पॉइंट F2 से लाइट पास होती है और इसमें पॉइंट F2 से पास होती हुई अपीयर होती है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी पैरेलल लाइट यहां भी इंसिडेंट हुई थी और यहां पर भी, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रहे कि कॉन्वेक्स का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस लेंस के राइट साइड में और कॉन्केव का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस लेंस के लेफ्ट में होता है। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 की बात करें, F1 की डिफिनीशन कैसे देंगे, तो इसकी डिफिनीशन के लिए ये कहा जाएगा कि ये सपोज कॉन्वेक्स ले लीजिए आप और यह इधर आपका क्या होगा ये C1 और यही है वो F1 जिसकी डिफिनीशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना एग्जाम में थियोरी से इस तरीके से क्वेश्चन को कनेक्ट कर देते हैं कि लोग एग्जैक्टली डिफिनीशन के ऊपर कभी फोकस नहीं करते हैं, लोग फार्मूला सीखते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, तो कई बार ऐसे फंसा दिया जाता है आपको। इसी वजह से ये मेरा अप्रोच है जो आपका सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं सर ये हमारे एग्ज़ाम के लिए TGT के एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा कि नहीं होगा, PGT के लिए GIC के लिए। तो देखिए जो लोग TGT साइंस के हैं उनको मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि आपको जितना भी हमने लेक्चर पढ़ाया है उसका 30% से ज़्यादा आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो सारे वीडियोज आपको नहीं देखने हैं, आप अपने पास अपना सिलेबस रखिए और आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमारे लेक्चर को आप देखिए। और हम शुरुआत में बता ही देते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले, तो आपको पता भी चल जाएगा जो टॉपिक हम पूरे लेक्चर के दौरान डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सिलेबस में है कि नहीं, एकदम शुरुआत में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि आपका जो फिजिक्स है ना वो फिजिक्स आपका सिलेबस है नहीं, आपका TGT साइंस है जो कि 1/3 है आपके पूरे सिलेबस का, तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इसलिए आपको तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत कम लेक्चर्स को ही आप देखेंगे आपका सिलेबस प्रॉपरली कवर हो जाएगा।
लेकिन जो लोग पीजीटी और जीआईसी के हैं उनको मैं बता दूं कि एक एक चीज को आपको देखना है लेक्चर का, और साथ ही इसके अलावा आपके पास समय निकालना है आपको, और आपको किसी ना किसी एक बुक को आप फॉलो करिए। जो भी ट्वेल्थ लेवल की ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स आप पढ़ते थे उन बुक्स को भी आप पढ़िए, वहाँ से भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। मेरा अप्रोच सिर्फ अभी इतना है कि हम आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट को थियोरेटिकली डिटेल में डिस्कस करें और कुछ एक न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए भी करा दें। तो हर लेक्चर में आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम 8 से 10 लेक्चर न्यूमेरिकल हो पाते हैं, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल कराना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर आपका सिलेबस रह जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि 100 और 150 क्वेश्चन को कर करके किसी चीज़ को सीखने से ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप उसकी थियोरी को एक बार थ्रू आउट डिटेल में स्टडी कर लें, क्योंकि आप बताइए कितने न्यूमेरिकल कर करके उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप एक बार थियोरेटिकली अप्रोच आपका पूरा एक बार सारा कुछ क्लियर होगा, सब कुछ पढ़ रखे होंगे, तब फिर जब आप न्यूमेरिकल में जाएंगे तो जो भी एक दो डाउट यहाँ रह जाते हैं, जो भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो आप न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको समझ में आएगा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच मुझे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मी ये अप्रोच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करते रहें, थियरी आपका पता नहीं है और क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ा सा ट्विस्ट करता है फिर आप फंस जाते हैं। तो आपके पास एक डिटेल बेसिक जो नॉलेज होता है वो तो होना चाहिए ना, तभी तो आप न्यूमेरिकल में आपका दिमाग काम करेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल में कुछ भी चेंज हुआ तुरंत आप धराशायी हो जाएंगे वहीं पर, ठीक है। इसलिए डिटेल स्टडी जरूरी होती है। तो मेरा अप्रोच फिलहाल अभी यही है कि जितना भी आपका सिलेबस है हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करें और उनके प्रैक्टिस के लिए कुछ एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बट जब सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा और उसके बाद भी टाइम बचेगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर ढेरों सारे सवाल करेंगे। तो थियरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी, याद भी रहेंगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि थियरी का पढ़ना ज़्यादा जरूरी है और न्यूमेरिकल को करने की बजाय। हाँ, अगर आप थियरी पढ़ लिए हैं तो न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल और थियरी दोनों का मिक्सअप रहता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हो गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात कर लें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिससे लाइट अगर पास हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो अगर हमारे पास जो भी लेंस है उस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट मौजूद हो जिससे पास होने वाली लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही हो, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट उस लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगी। लेकिन ये हमेशा इसी के पैरेलल निकले, ये तो अभी हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं ना, कॉनकेव में आएंगे तो सिचुएशन देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलने के लिए यहां पर तो इस F1 से लाइट पास होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, इधर ये C2 था, इधर C1 था, तो इधर कहीं F2 हमको मिल गया था, इसका मतलब इधर कहीं F1 होगा। तो इसमें जब डिफिनीशन की बात आएगी तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में रहता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो आपको लाइट को ऐसे पास करना है जैसे वो कि फोकस की तरफ जा रही हो, ठीक है, ऐसे जा रही हो। और आप जानते हैं कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो अगर ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये अगर F1 की तरफ जा रहा था तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अब यही इसकी डिफिनीशन है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पास होने वाली या जिधर जाती हुई अपीयर होने वाली, है ना, जिधर जहां से जाने वाली और या फिर जिधर जाती हुई अपीयर होने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर देखिए एग्जैक्टली F1 से लाइट पास हो रही है और यहां पर F1 की ओर जाती हुई अपीयर हो रही है। तो इन दोनों को मर्ज करके आप F1 की डिफिनीशन दे सकते हैं और इन दोनों को मर्ज करके आप F2 की डिफिनीशन दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, F2 का मतलब कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो जिस एक पॉइंट से पास होती है या जहां से पास होती हुई अपीयर होती और लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकालने के लिए लाइट को जिस पॉइंट से हम पास करते हैं या जिस पॉइंट की ओर पास होता हुआ अपीयर होता है वो पॉइंट क्या हो जाएगा लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और ध्यान रहे आपको कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस F2 यही सबसे मेन फोकस, दिस इज कॉल्ड मेन फोकस।
तो जब भी हम फोकल लेंथ की बात करेंगे और साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, जैसे आपने मिरर के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना कि पोल के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, कार्टिजियन साइन कन्वेंशन, तो वही साइन कन्वेंशन आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं लेंस के केस में भी। इसलिए हमने यहां पर कोई टॉपिक नहीं लिखा है साइन कन्वेंशन का, एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो वही साइन कन्वेंशन जब आप अप्लाई करेंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए लेंस का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव की निगेटिव, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव की निगेटिव, तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस की हम बात करें तो दो दो फोकस पॉइंट है ना, इसमें एफ वन इधर है, एक एफ टू इधर है, इसमें अगर बात करें तो एफ टू इधर है, एफ वन इधर है, तो दो दो फोकस हैं, तो दो दो फोकल लेंथ भी आएंगे, है ना। ये बीच में एक पॉइंट होता है, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो एक सेकेंड फोकल लेंथ आएगा, एक फर्स्ट फोकल लेंथ आएगा, इसमें भी एक सेकेंड फोकल लेंथ आएगा, एक फर्स्ट फोकल लेंथ आएगा। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव बताएं कि नेगेटिव बताएं, तो इस वाले को देखेंगे पॉजिटिव आएगा, इस वाले को देखेंगे नेगेटिव आएगा। इसमें अगर बात करें तो ये वाला आपका नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए किसी भी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसके लिए आप किसको देखेंगे, एफ टू को देखेंगे, यानी सेकेंड फोकस को देखेंगे। तो सेकेंड फोकस को आप देखेंगे तो सेकेंड फोकल लेंथ आप देखिए राइट साइड में पड़ रहा है, तो राइट साइड में है ना, यहीं पर होता है वो पॉइंट जिसको हम आगे स्टडी करेंगे और यहीं से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहां से ये डिस्टेंस आप देखिए राइट साइड में पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉन्केव की अगर बात करें तो कॉन्केव में जो एफ टू होता है वो लेफ्ट साइड पड़ता है ना, लेफ्ट साइड में, राइट में एफ वन पड़ता है। तो F2 अगर लेफ्ट में पड़ रहा है तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव, यहां पर भी वही चीज नेगेटिव। इसका मतलब कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये किसके बेसिस पर हम बता रहे हैं, तो सेकेंड फोकस F2 के बेसिस पर बता रहे हैं, क्योंकि F2 इज द मेन फोकस ऑफ द लेंस। क्लियर, इसको जल्दी से नोट करें। एक और पॉइंट बच गया है सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर का, और ये ऑप्टिकल सेंटर करने के बाद ये टर्मिनोलॉजी आपका कवर हो जाएगा। इसको हटा दें, चलिए तो इसको हटा देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर देखिए, ऑप्टिकल सेंटर तो जो इंपॉर्टेंस मिरर में पोल का होता है वही इंपॉर्टेंस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर का होता है। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद आपने देखा प्रिंसिपल फोकस, दो दो प्रिंसिपल फोकस थे F1 और F2, लास्ट में है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, देखिए अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और आपने देखा इधर पड़ता है F1 और इधर पड़ता है इसका F2। इसी तरीके से अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस में भी इधर एक फोकस होगा, इधर F2 इसका होगा, जस्ट उल्टा है, और इधर F1 होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है कि सपोज कि अगर इस लेंस के ऊपर हम कोई ऐसे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और ये लाइट जब देखिए रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो इधर इसका रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी और ऐसे आएगी, और यहाँ डेंसर टू रेयरर जा रही फिर से रिफ्रैक्शन होगा, वो ऐसे निकलेगी। तो ये है इंसिडेंट रे और ये है आपका इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर ऐसा हो कि लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करने के बाद इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो, तो ऐसे केस में ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर पास होती है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कई जगहों पर ओ से एक्सप्रेस किया जाता है, कई जगहों पर सी से एक्सप्रेस किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि लेंस के ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट जब बाहर निकले, तो निकलने वाली लाइट इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हों, तो ऐसे कंडीशन में ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को जिस एक पॉइंट से टच करते हुए गई है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वैसे ही आप यहां पर भी बता सकते हैं, ठीक है, ये लेंस है ऐसे, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो, तो ये लाइट जहां से पास हो रही थी वो हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर।
और कोई भी डिस्टेंस लेंस के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिरर के केस में कोई भी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते थे। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और सेकेंड फोकस ही मेन फोकस होता है। तो ये देखिए, इससे राइट साइड में पॉजिटिव, ये इससे लेफ्ट साइड में निगेटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ऑप्टिकल सेंटर के बारे में ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर ही लेंस के बीच में ही पड़े, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के बीच में हो, इट इज नॉट नेसेसरी या कंपल्सरी फॉर सी यानी ऑप्टिकल सेंटर टू बी इन लेंस। लेंस के अंदर रहे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये हमने बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव की बात करी है तब यहां पर बीच में ये पड़ता है। आपने देखा कि कॉन्केव के, कॉन्वेक्स के भी और टाइप होते हैं, कॉन्केव के भी और टाइप होते हैं। तो अगर हम ये वाला केस लें, जैसे प्लेनो, ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसी तरह से प्लेनो कॉन्केव। तो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो यहां पर इस पॉइंट पर एकदम सरफेस पर इधर पड़ता है, ये है सी और ये है सी। और इसके अलावा जो तीसरा वाला टाइप था, प्लेनो कॉन्वेक्स के बाद एक तीसरा टाइप था कॉन्वेक्स का, ये बाई कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा था कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स में जो ऑप्टिकल सेंटर पड़ता है वो इधर कहीं पड़ता है, और कॉन्वेक्सो कॉन्केव की अगर बात करें, कॉन्वेक्सो कॉन्केव की, तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर पड़ता है वो इसके बाहर पड़ता है। तो आप देखिए कि कभी भी ऑप्टिकल सेंटर कभी बीच में पड़ रहा है, कभी सरफेस पर पड़ रहा है, कभी बाहर पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर हो वो उसके अंदर ही हो, ये बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट इसका कोई भी रूल नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या ये जरूरी है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के बीच में पड़े, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बाहर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी थे लेंस से रिलेटेड, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल फोकस है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल सेंटर। अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फीरिकल सरफेसेस। स्फीरिकल का मतलब कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव जो सरफेस होते हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, स्फीरिकल मतलब कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव, जो सिर्फ एक साइड से कॉन्वेक्स या एक साइड से कॉन्केव हो, उनसे जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन से फार्मूले होते हैं और किस किस कंडीशन में वो फार्मूले हम यूज करते हैं। तो सपोज कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेंस में दोनों तरफ से वो सरफेस बाउंडेड होना चाहिए, बट ये सिर्फ एक तरह से अगर ये स्फीरिकल सरफेस है और ये कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस है, ग्लास का बना हुआ है, एक तो ये केस हमको पढ़ना है, और दूसरा कॉन्वेक्स की बजाय अगर ये कॉन्केव सरफेस हो, ग्लास का हो ये स्फीरिकल सरफेस, तो ये दोनों देखिए स्फीरिकल सरफेस है ना, कॉन्वेक्स को भी स्फीरिकल बोलते हैं, कॉन्केव को भी बोलते हैं। तो जब भी इस तरह का कॉन्वेक्स या कॉन्केव स्फीरिकल सरफेस हो, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है, तो इससे जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं। तो काफी न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे गए हैं इसके पहले भी। तो आप देखिए कि ये जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसका भी अपना एक पोल होगा और इसके भी अपने एक प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह होंगे इस तरीके से। तो सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इधर है बाहर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेयरर मीडियम में, और इस ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहां पर फाइनली इसके अंदर इमेज बन रहा है, और ये बाहर का जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, ठीक है, और अंदर का ये जो मीडियम है ये तो डेंसर मीडियम होगा क्योंकि ग्लास वगैरह का बना हुआ है। सपोज ये म्यू वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका म्यू टू है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन कैसा हो, रेयरर टू डेंसर लाइट का जो सोर्स है या जो ऑब्जेक्ट है वो रेयरर मीडियम में हो, इससे लाइट ऐसे जाए और उसके रिफ्रैक्शन से आपका इमेज यहां पर अंदर बने कहीं पर डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो जब भी रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होगा, और चाहे वो आपका कॉन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस हो चाहे वो कॉन्केव हो, दोनों के केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका भी सपोज जहां पर भी ये इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज बन गया, और अभी भी ये क्या है, ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी कभी चाहे वो आपका कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, ऑब्जेक्ट
रेरर मीडियम में हो और उसका इमेज इस डेंसर मीडियम के अंदर बने, तो जो फार्मूला हमारे पास आता है फ्रॉम रेरर टू डेंसर के लिए, ये केस नंबर वन है, दैट इज म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। ये फार्मूला है जहां पर म्यू टू क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन क्या है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी कभी स्फेरिकल सरफेस में रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो तो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। जहां पर ये यू क्या है, तो यहां पर जो पॉइंट आप खींचे पाएंगे दैट इज पोल, इसको आप बोल सकते हैं। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू बोलेंगे, पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम वी बोल रहे हैं, और ये जो आपका कर्व सरफेस है इधर या फिर इधर, तो इसका आप देखिए कर्व सरफेस है, तो इसको आप किसी एक स्फीयर का एक पार्ट मान सकते हैं, इसको भी एक स्फीयर का एक पार्ट मान सकते हैं। तो उस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, और r जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस में जब रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होगा तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये मॉडिफाई होके देखिए कैसे लिखा जाएगा, अगर हम इसको दोनों साइड को म्यू वन से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, म्यू टू अपान म्यू वन अपान वी माइनस म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन माइनस यहाँ पर आएगा म्यू वन अपान म्यू वन और अपान में आर। और म्यू टू अपान म्यू वन को क्या बोलेंगे, पिछली क्लास में जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने पढ़ा प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, तो उसमें आपने देखा था स्नेल्स लॉ में हमने आपको बताया था साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू वन म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन, और ये वन म्यू टू का मतलब होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और मोस्टली ये हम लोग ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे वो किसके टर्म में लिखते थे, हमेशा इस तरीके से इस फार्मूले को लिखते थे कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो डेंसर मीडियम का है विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, जो कि यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है आपको, रेयरर मीडियम वन है और डेंसर मीडियम टू है। और इसी वन म्यू टू को हम अक्सर सिर्फ म्यू भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू का मतलब यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन होता है, तो जहां जहां म्यू टू अपान म्यू वन लिखा है वहां सिर्फ हम म्यू लिख सकते हैं, और ये जो म्यू वन अपान म्यू वन है ये कैंसिल होकर वन आ जाएगा, तो आपका फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा म्यू अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपान आर, ठीक है। तो आप इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये दोनों फार्मूले एक ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने जब रेशियो ले लिया तो ये टर्म वन और टू की बजाय सिर्फ ये म्यू बन गया। और ये कब हुआ है, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी। केस नंबर टू में आप देखिए कि अगर लाइट डेंसर टू रेयरर आए दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट हो वो आपका यहां पर हो डेंसर मीडियम में, केस नंबर टू के लिए हम इसी डायग्राम को अगर चेंज कर रहे हैं, इमेज की जगह पर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर इमेज ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और उसका इमेज फाइनल इमेज कहां पर बने, रेयरर मीडियम में बाहर बने, रेयरर मीडियम में बाहर बने, तो ऐसे केस में जो फार्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, म्यू टू और म्यू वन को आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब जहां म्यू टू लिखा हुआ वहां म्यू वन लिख देंगे, जहां म्यू वन लिखा हुआ वहां पर म्यू टू लिख देंगे। तो डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला आएगा आपके पास म्यू वन अपान वी माइनस म्यू टू अपान यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला जब लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करेगी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और उसका इमेज रेयरर मीडियम में बनेगा। और अगर आप इसको सिंगल म्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे इस फार्मूले को आपने मॉडिफाई किया था तो सिर्फ म्यू के फॉर्म में ये इस तरीके से आया था, तो जब डेंसर टू रेयरर की बात हो रही तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने ये फार्मूला पा लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब फार्मूला आपको पाना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ इसी म्यू की जगह पर वन अपान म्यू लिख देंगे, म्यू की जगह पर वन अपान
म्यू लिख देंगे तो इसका जनरल, इसका जो दूसरा फॉर्म है वो आ जाएगा, यानी कि ये आपको मिलेगा 1/μ/v - 1/u = यहां से फिर से म्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/μ - 1 और अपान में r। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया, आप कोई भी एक याद रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक ही चीज़ है, और ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 ये दोनों एक ही चीज़ है। तो डेंसर टू रेयरर के लिए ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक याद रखिए, और रेयरर टू डेंसर के लिए ये। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं, इस फार्मूले को थोड़ा आपको सीरियस लेना है, क्योंकि यही जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले की हेल्प से हम लेंस का फार्मूला डिराइव करते हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें एक कर्व सरफेस है, इसमें भी एक कर्व सरफेस है। तो जब हम बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, बाई कॉन्केव में क्या होगा, ऐसा ही एक और सरफेस हो जाएगा, और बाई कॉन्वेक्स में क्या होगा, ऐसा ही एक और इधर से सरफेस हो जाएगा। तो ये जनरल केस होता है। इसी स्फीरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के फार्मूले को सॉल्व करके हम लेंस के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं, और उसी में आपको मिलता है लेंस मेकर फार्मूला, कहाँ गया ये, हाँ लेंस मेकर फार्मूला और थिन लेंस फार्मूला। तो आगे हम देखने वाले हैं कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है और थिन लेंस फार्मूला क्या होता है। चलिए, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, देखिए सपोज कि आपके पास ये कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है या कोई कॉन्केव लेंस है, कोई भी लेंस हो, दोनों ही लेंसों के लिए फार्मूला लागू होता है, ऐसा नहीं सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए या सिर्फ कॉन्केव के लिए। तो कोई भी लेंस हो उसके लिए जो लेंस मेकर फार्मूला होता है वो 1/f = μ - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। इसी फार्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो लोग लेंस बनाते हैं, लेंस बनाने वाले जो लोग हैं लेंस मेकर्स, वो इसी फार्मूले से डिसाइड करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि जो लोग लेंस बनाते हैं उनसे आपने कह दिया कि हमको इतने फोकल लेंथ या इतने पावर का लेंस चाहिए, ठीक है, चश्मा चाहिए, उसमें जो लेंस लगा हो वो इतने पावर या इतने फोकल लेंथ का होना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि उतनी फोकल लेंथ का या उतने पावर का हमको लेंस बनाना है, चश्मा बनाना है, तो उसको क्या कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना चाहिए, और जिस मटेरियल का हमको ये लेंस बनाना है वो मटेरियल, वो ग्लास कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना चाहिए, क्योंकि ग्लास भी तो बहुत वैरायटी के होते हैं, फ्लिंट कांच होता है, क्राउन कांच होता है, पाइरेक्स कांच होता है, तो सबके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, कभी 1.50 लिखा रहता है बुक में, कभी 1.52, कभी 1.54, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ग्लासेस होते हैं और हर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना अलग अलग होगा। तो इनको मान लीजिए एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का, पर्टिकुलर पावर का लेंस बनाना है, तो क्या क्या चीज़ें इनको डिसाइड करनी होंगी, जो लोग लेंस बनाएंगे तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सर्फेसेस का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए, और जो मटेरियल हम यूज करेंगे उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो लेंस बनाने के लिए जो लेंस मेकर्स होते हैं वो इसी फार्मूले का यूज करते हैं, इसी से उनको पता चलता है कि इस फोकल लेंथ के लिए लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें आपको जान लेनी है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए अगर ये लेंस कहां रखा हुआ है, एयर में, कोई भी लेंस ले लीजिए, मान लीजिए ये लेंस कहां रखा हुआ है, एयर में, तो अगर ये लेंस एयर में रखा हुआ है, एयर में, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू। तो अगर ये लाइट, ये लेंस एयर में रखा हुआ है तो इसका मतलब जो लाइट होगी वो एयर से होते हुए इस लेंस के अंदर जाएगी। तो एयर को अगर हम ए से एक्सप्रेस करें और ये लेंस को हम ग्लास, इसके मटेरियल को जी से एक्सप्रेस करें, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे केस में म्यू का मतलब है ए म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्यों? क्योंकि लाइट एयर से उस ग्लास में या उस लेंस से होकर जाएगी। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि जो लेंस है, ये लेंस किसी लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर डूबा हुआ है, ऐसे, ऐसा केस है, केस नंबर 2। तो जब लिक्विड के अंदर वो लेंस है, इसका मतलब जो लाइट होगी वो एयर से, तो मान लीजिए कहीं से भी आ रही होगी, बट ये लिक्विड से होते हुए इस लेंस के अंदर इंटर करेगी। दैट मीन्स ऐसे केस में म्यू का मतलब क्या होगा, अगर इसको हम वाटर बोल दें लिक्विड को, तो डब्ल्यू म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू
वाटर, वाटर की बजाय अगर कोई और लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड लिखा हुआ है, तो आप इसी की जगह पर एल लिख देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व लेंस में अगर फार्मूला यूज करके जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका जो लेंस है वो एयर में है या किसी लिक्विड में है। तो अगर लिक्विड में होगा तो लाइट लिक्विड से होकर ग्लास में या लेंस में जाएगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और अगर एयर का केस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इस म्यू का ये मतलब हो सकता है। दूसरी बात ये जो आर वन और आर टू है ये क्या है? देखिए अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये फर्स्ट सरफेस बोला जाता है और ये सेकेंड सरफेस बोला जाता है। कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव में भी ये फर्स्ट सरफेस बोला जाएगा और ये सेकेंड सरफेस बोला जाएगा। अब आप देखिए कि इसका जो फर्स्ट सरफेस है इसका स्फीयर इधर बनेगा, इसका सेंटर कहीं इधर होगा, इसका मतलब कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ये बनेगा, ठीक है। और सेकेंड जो सरफेस है उसके लिए अगर हम बात करें तो उसका सेंटर इधर बनेगा, इसका एक दूसरा वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में जो आर वन है पहले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में है, दैट मीन्स पॉजिटिव, और जो आर टू है मतलब सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आर टू। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आर वन की वैल्यू प्लस में आएगी साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करें राइट साइड, और आर टू की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड। कॉन्केव की बात करें तो पहले सरफेस का स्फीयर इधर ही बनेगा, तो अगर इधर ही बनेगा तो इसका ये जो R1 इसको अगर हम कहें तो ये R1 नेगेटिव आएगा, और जो दूसरा सरफेस है उसका स्फीयर इधर बनेगा तो इसका जो R2 आएगा वो राइट साइड में आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कॉन्केव के लिए R2 पॉजिटिव R1 नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको लेंस के जो सर्फेसेस है ना कर्व सर्फेस उनका सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू गिवेन होगा 20-30 ऐसे करके। तो आपको देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 राइट साइड में मतलब कि R1 की वैल्यू प्लस के साथ, और R2 लेफ्ट साइड में तो R2 की वैल्यू माइनस के साथ, तो R2 की वैल्यू मान लीजिए 20 दिया है तो माइनस 20 लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, ये फार्मूले का माइनस है। आप जब R1 और R2 की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो साइन कन्वेंशन उसमें अप्लाई करके तब रखिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करिए तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे आपने ये फार्मूला देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, आपके पास बुक होगा आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उससे। और एक इस लेंस मेकर फार्मूले से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन दोनों फार्मूले से होती है, बाकी थिन लेंस वगैरह तो हैं ही, बहुत ही रेयर होता है क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं, ये आसान चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हैं, इसलिए लेंस मेकर फार्मूला और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज जो पीछे हमने बताए इन दोनों पर आप ज़्यादा फोकस रखिएगा, इन दोनों के फार्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये केस ध्यान रखेंगे और ये साइन कैसे यूज करना है, प्लस माइनस कहाँ पर यूज करना वो याद रखिएगा, बस चीज़ें आप समझ जाएंगे। और देखिए अगर ये ए म्यू जी है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ऐसा वाला केस बन गया और डब्ल्यू म्यू जी हुआ तो डब्ल्यू म्यू जी की जगह पर आपको ये फार्मूला भी यूज करना पड़ सकता है जो हमने आपको बताया था, ये जनरल वाला फार्मूला डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू। तो ऐसे सवालों में, ऐसे वाले सवालों में आपको डब्ल्यू म्यू जी यहां पर यूज करना है, जबकि डब्ल्यू म्यू जी आपको पता नहीं रहेगा, आपको क्या दिया जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में इस ग्लास का लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रिस्पेक्ट में इस वाटर या इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको क्वेश्चन में ये दोनों दिया जाएगा, जबकि फार्मूले में आपकी म्यू की जगह पर ये वाला टर्म यूज हो रहा था। तो ये फार्मूले से आप पहले इसको निकालेंगे और इसको फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कोई और दिक्कत नहीं आती है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके सिचुएशन को भी आप नोट कर लीजिए, इस साइन कन्वेंशन को भी आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, यानी पतले लेंसों के लिए अपवर्तन या रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, किसी भी मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो 1/f = 1/v + 1/u। तो वैसे ही जो पतले लेंस होते हैं, स्पेशली ये पतले लेंसों के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे थिन लेंसेस के लिए, क्योंकि इसके डेरिवेशन में कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिए जाते हैं और वो अप्रॉक्सीमेशन यही होते हैं कि अगर लेंस बहुत पतला हो तब, तो अगर लेंस बहुत पतला हो तभी वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो थिन लेंस फार्मूला क्या है, थिन लेंस फार्मूला
तो थिन लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v, यहाँ पर माइनस और 1/u। ध्यान रहे मिरर के केस में यहीं पर प्लस था, यहीं पर और कोई चेंज नहीं था। और f, u और v आप समझ रहे हैं, u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। कौन सा वाला फोकल लेंथ? तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड वाला फोकल लेंथ। उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है, ठीक है। और ये सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएंगे? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सी। हमने आपको पीछे भी बताया कि जो इंपॉर्टेंस मिरर के केस में पोल का होता है, वही इंपॉर्टेंस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर का होता है। तो कोई भी डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर यहां जो बीच में है उसी से आपको मेजर करना है, ठीक है। चलिए तो आगे, अब ये तो हो गया, इसके अलावा हम लोग वही सारी चीजें पढ़ेंगे जो मिरर में हमने पढ़ा था कि रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से इमेज किस तरह के बनते हैं, कब वर्चुअल होता है, कब रियल होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ये सारा केस भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मिरर में आपने पढ़ा था। तो तीन रूल वहाँ पर भी थे लेंस से इमेज बनाने के, वही उसी टाइप के तीन रूल यहाँ पर भी हम यूज करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देख लें ये रूल, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर इसका F2 सेकेंड फोकस होता है और इस साइड इसका F1 यानी फर्स्ट फोकस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम जब फर्स्ट रूल की बात करेंगे, तो फर्स्ट रूल मिरर के केस में आपने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। लेकिन ये तो लेंस है, यहाँ तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, लेकिन फोकस भी दो हैं। तो रिफ्रैक्शन, पहली बात तो रिफ्रैक्शन होने का मतलब आगे निकलना है इसको, और दूसरी बात ये कि ये कन्वर्जिंग नेचर का है तो मतलब झुकना भी है इसको। तो इसका मतलब कि ये कुल मिला के ये F2 से पास होगी। तो रूल नंबर वन यही कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो सेकेंड फोकस F2 से पास होती है। अगर कॉन्वेक्स की बजाय कॉन्केव होता तब क्या इसको बोलते, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ये सेकेंड फोकस F2, ये फर्स्ट फोकस F1, ये F1, ये F2, ये F2, ये F1। इसमें भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल कोई लाइट इंसिडेंट करें तो क्या होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल अगर लाइट आएगी तो ये तो डाइवर्जिंग नेचर का है, दूसरी बात ये रिफ्रैक्शन यहाँ भी होना है, लाइट को आगे निकलना भी है तो आगे निकलेगा लेकिन डाइवर्ज हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से ये बाहर जा रहा है। तो रूल नंबर वन ये हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड फोकस से पास होती है या पास होती हुई अपीयर होती है, पास होती हुई अपीयर होती है। रूल नंबर टू जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा क्या करते हैं, जैसे पैरेलल रे फोकस से पास हुई तो जो फोकस से निकलेंगी वो पैरेलल चली जाएंगी, यही इसका उल्टा होगा। तो फोकस का मतलब यही है फर्स्ट फोकस इस साइड, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। और वैसे भी आपने जो डिफिनीशन देखा है ना फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का, वो डिफिनीशन जो आपने देखा था वो इसी रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमने डायग्राम बनाया था। और कॉन्केव में अगर फार्मूला यही रूल यूज करते हैं फर्स्ट फोकस वाला, तो इधर ये F2 होता है और ये F1 होता है। तो कोई लाइट जो आप ऐसे इंसिडेंट करेंगे F1 की तरफ जा रही होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर वन कि पैरेलल रे फोकस से या तो पास होती है या फोकस से पास होती हुई अपीयर होती हैं। रूल नंबर टू कि फर्स्ट फोकस से पास होने वाली या फर्स्ट फोकस की ओर जाने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और रूल नंबर थ्री मिरर के केस में क्या था, मिरर के केस में रूल नंबर थ्री ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास होगी वो सेम पाथ पर लौट आती है बिना डेविएट हुए। तो यहाँ पर भी रूल नंबर थ्री उसी टाइप का है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर की बजाय यहाँ पर हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो हम एकदम स्ट्रेट दिखा रहे हैं ये सही चीज़ नहीं है, हमने आपको पीछे बताया भी ऑप्टिकल सेंटर की डिफिनीशन में कि जब किसी, सपोज ये हम यहाँ पर अलग से अगर फिर से बताएं
ये लेंस के ऊपर अगर आप लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं और जो लाइट बाहर निकल रही फाइनली वो इस वाले इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि ये लाइट जिस पॉइंट से अंदर पास हुई थी वो पॉइंट ही ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने का मतलब कि लाइट जो इंसिडेंट रे है उसमें और जो इमर्जेंट रे है उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, पहली बात। तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आया इसका मतलब डेविएशन आप कहेंगे नहीं हुआ। दूसरी बात आप ये कहेंगे, जरूर कह सकते हैं कि इसके बीच में थोड़ा सा लैटरल शिफ्ट हुआ है, जो आपने ग्लास प्लेट के केस में देखा था। लेकिन ये लैटरल शिफ्ट इतना कम होता है कि हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पास होने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो हमने एकदम स्ट्रेट बनाया है ये बस एक दिखाने का तरीका, रियल में कुछ ऐसा हो रहा होता है। एक बार यहाँ पर इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है और एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, बट इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होने का मतलब सेम डायरेक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको सीधा दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे कि हम कहने को ऐसे करें लेकिन हो ये रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, यहां पर भी वही बात है, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये रूल नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस से इमेज फॉर्मेशन के ये 3 रूल अगर हम ध्यान रखें तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में हम इमेज बना सकते हैं। जैसा आपने मिरर के केस में देखा था, हमने कॉन्केव मिरर में 6 अलग अलग पोजीशन डिसाइड किया था और वहां पर ऑब्जेक्ट रखा, इन रूल को अप्लाई किया, तो हमको पता चला कि किस केस में कैसा इमेज बनेगा। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में ये हमने 6 सैंपल बना रखे हैं, और 6 सैंपल हमने क्यों बनाए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है जैसा हमने कॉन्केव मिरर के केस में देखा था। तो आपने देखा था कि कॉन्केव मिरर के केस में टोटल 6 केसेस होते थे और उन 6 केसेस में अलग अलग केसेस होते थे, पोजीशन होते थे और वो अलग अलग इमेज बनाते थे। तो यहाँ पर भी देखिए कौन कौन से 6 पोजीशन आपको लेने हैं। सबसे पहले तो ये लेंस का यहाँ पर बीच में ऑप्टिकल सेंटर, इस साइड इसका सेकेंड फोकस F2 और इस साइड इसका फर्स्ट फोकस F1। F2 का 2 टाइम्स, दैट इज 2F2 आप बोल सकते हैं इसको, इसी को हम C2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मतलब इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं ना, जैसे हमने मिरर के केस में देखा था फोकस के जस्ट 2 गुने पोजीशन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वैसे यहां पर भी फोकस के जस्ट 2 गुने पोजीशन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, बट इसको डबल ऑफ फोकस करना ज्यादा सही होता है और ज्यादातर बुक्स में यही अप्रोच लिया भी जाता है। और F1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2F1। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से 6 कंडीशन बन रहे हैं यहां पर। वहां पर एफ और सी के टर्म में बात करते थे, यहां पर एफ और 2F के टर्म में बात करेंगे। एक तो इस लाइन के इधर का इनफाइनाइट पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, दूसरा 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर रखेंगे जिसको हम बियॉन्ड 2F1 बोलेंगे, और तीसरा हम 2F1 के ऊपर रखेंगे, चौथा 2F1 और F1 के बीच में कहीं पर भी रखेंगे, पांचवा F1 के ऊपर रखेंगे, और छठा केस है F1 और लेंस के बीच में कहीं पर भी रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स जो लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, बिल्कुल ये एनालॉगस है कॉन्केव मिरर के। तो कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर इमेज फॉर्मेशन में कभी भी कंफ्यूजन होता है आपको, तो तुरंत आप कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव मिरर से कंपेयर करिएगा और कॉन्केव लेंस को कॉन्वेक्स मिरर से कंपेयर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पर, उसका इमेज बनाना है, फिर 2F1 पर, फिर यहाँ पर, इस तरीके से 6 अलग अलग केसेस हो गए। तो चलिए देखिए हम इमेज बनाते हैं और थोड़ा सा फास्ट इसको करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अच्छा, इन्फिनिटी के केस में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जो होता है उससे जो लाइट आती है वो पैरेलल होती है, हमने इसको पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। तो कोई भी 2 पैरेलल रे आप दिखा सकते हैं और वो दोनों पैरेलल रे जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। आप अगर इस तरीके से 2 पैरेलल रेज दिखाते हैं, एक सी से पास होता है एक F1 से, तब भी इमेज इधर ही बनेगा जहां बनना है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो थोड़ा आसान होता है। सपोज कि ये इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल रेज हैं, तो आपने इमेज फॉर्मेशन का जो रूल नंबर 1 देखा उसके अकॉर्डिंग पैरेलल रेज फोकस से जाती हैं सेकेंड फोकस से, तो सेकेंड फोकस से पास होंगी, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन्स यहां पर इमेज बन जाएगा। और ये इमेज जो बना है वो कैसा बना है, तो ये इमेज बना हुआ है, इसके पोजीशन की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि ये F2 पर बना है, F2 पर, और साइज की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा साइज का ये इमेज बनता है। छोटा मतलब कि आप इसको पॉइंट साइज बोल सकते हैं, पॉइंट साइज, और
नेचर की अगर बात करें तो आप देखिए दोनों लाइट रियल में यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल। और आपको पता है कि जय के साथ बीरू, हीरा के साथ मोती और पानी के साथ पूरी जिस तरीके से बधे होते हैं, वैसे ही रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्टेड बधा होता है। तो अगर ये इमेज रियल है तो उल्टा भी होगा, दैट मीन्स इन्वर्टेड होगा। ठीक है, क्लियर। अगला केस क्या होगा, अभी इन्फिनिटी पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब आपको इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में कहीं पर रखना है। चलिए, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं खास करके जिनको TGT साइंस देना है, उनको उनका चूंकि सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं होता है, उनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी साथ में पढ़ना होता, तो उनके लिए ये सब चीज़ें काफ़ी परेशान करती हैं। तो इस वजह से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिनको बहुत आ रहा है उनको भी ज़्यादा बोरिंग ना लगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा के, और जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है उनको ऐसा ना हो कि ऊपर से चला जाए और कुछ भी समझ में ना आए, तो दोनों को एक तरह से कहा जाए तो मैनेज करते हुए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट को आप 2F1 पर रखिए, और 2F1 पर रखेंगे तो पैरेलल रे एक पास करिए। पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से, F2 से, और एक रे आप इस F1 से पास करिए। F1 से जो रेज आती हैं वो कैसे निकलती हैं, पैरेलल निकलती हैं, पीछे आपने रूल देख लिया है। तो ये पैरेलल रे ऐसे जाएगी और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ बन जाएगा इमेज, और जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसा बना है इमेज, तो अभी भी ऑब्जेक्ट से ये छोटा है, स्मॉलर देन दी साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, यानी आप इसको डिमिनिस्ड भी बोल सकते हैं, डिमिनिस्ड बोल सकते हैं। और तीसरी बात कि यहाँ पर भी दोनों रेज ने रियल में एक दूसरे को काटा है, तो इमेज रियल होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें, ये तो इन्फिनिटी का केस था, और ये क्या था, ये एक सेकेंड, ये हमने 2F1 दिखा दिया है, तो आप ऐसा करिए 2F1 को यहाँ पर लीजिए, हाँ ठीक है, ये गलत माना जाएगा, ये 2F1 है मान लीजिए, तो 2F1 से दूर हमने लिखा है, यानी कि बियॉन्ड 2F1, ये केस नंबर 2, बियॉन्ड 2F1। तो 2F1 से दूर जब ऑब्जेक्ट होगा तब ऐसा इमेज बनता है। अगर हम एग्जैक्टली 2F1 के ऊपर रख दें, ये केस है, 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दें, ये है आपका F1 और यहाँ पर है आपका 2F1। तो 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इसका इमेज बनता है वो 2F2 के ऊपर बनता है, ये 2F2 है अगर आपका, सपोज इसको हम ऊपर थोड़ा लिख दें 2F2। तो एक पैरेलल रे पास करेंगे, और पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, F2 से, और एक रे को आप F1 से भी पास कर सकते हैं, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर C से भी पास कर सकते हैं, तो हम F1 से ही पास कर रहे हैं, और ये दोनों बिल्कुल इसी पॉइंट के नीचे, आप मान लीजिए कि यहाँ पर है 2F2, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो इमेज बना है, ये इमेज कैसा है, पहली बात तो कहाँ बना है, तो ये 2F2 पर बना है, तो जब 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा, और सेम साइज़ का होगा, किसके सेम साइज़ के, ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ का होगा, और नेचर कैसा होगा, तो नेचर ये अभी भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए केस नंबर 4 आप देखिए। केस नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, 2F1 और F1 के बीच में, ये मान लीजिए F1 है और ये 2F1 है, यहाँ पर आप बनाएंगे F2 और उसके बाद 2F2 बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप F1 2F1 के बीच में रखेंगे, पैरेलल रे पास करिए, पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, सारे रूल आपको याद रखने होंगे, और एक रे आप F1 से पास कर सकते हैं, तो F1 से जो रेज आती है वो कैसे निकलती है, बिल्कुल पैरेलल निकलती है, और ये दोनों पैरेलल रेज एक दूसरे को 2F2 के बाहर कहीं इधर काटती हैं, तो ये आपका यहाँ पर इमेज बन जाता है। इमेज कैसा बना, कहाँ बना हुआ है, तो आप कहेंगे बियॉन्ड 2F2 से दूर। साइज क्या है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, आप लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इन लार्ज बोल सकते हैं, और अभी भी ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, केस नंबर 5 देखिए। केस नंबर 5 हमने पीछे भी आपको मिरर में भी बताया था कि कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, है ना, ईंट का जवाब आप ईंट से दीजिए और पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए, डंडे का जवाब डंडे से दीजिए, क्योंकि आप बेईमानी नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते। तो
तो जितना बुरा आपके साथ हुआ है उतना ही बुरा आप दूसरे के साथ करेंगे। तो आप जरा देखिए यहाँ पर कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इन्होंने इमेज बनाया था फोकस पर और बहुत छोटे साइज का, तो आप उसी ईट का जवाब यहां पर ईट से देंगे, जस्ट उल्टा केस है। आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर और उसका इमेज बनवाएंगे इन्फिनिटी पर और बहुत बड़े साइज का, ठीक है। तो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए और कहां रख दीजिए, फोकस पर। तो फोकस का मतलब यहां पर अंडरस्टूड है, कौन से फोकस पर, F1 पर रखना पड़ेगा। और यहां पर बहुत छोटे साइज का कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो पैरेलल रे पास होगी, और पैरेलल रे कहां से पास होती है, फोकस से, सेकेंड फोकस से पास हो जाएगी। और जो रे C से पास होती है वो कैसे जाती है, तो जो C से पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, रूल नंबर 3, वो तो सीधे निकल जाती है। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी तो कहां तक जाएंगी, आप कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। बट अगर एग्जैक्टली पैरेलल होंगी तो कभी नहीं काटेंगी, इमेज कभी नहीं बनेगा। तो ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा बहुत हल्का सा कन्वर्जिंग नेचर का है। तो ये कन्वर्ज तो हो रही है लेकिन बहुत हल्का, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने से पहले ये कहां तक चली जाएंगी, बहुत दूर चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां से एक लाइन ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे, वो होगा आपका इमेज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा तो आप बड़ा, इसका मतलब इसको आप हाईली इनलार्ज्ड बोल सकते हैं, हाईली इनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड कर सकते हैं। और जो इमेज का नेचर होगा, चूंकि ये जाके इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मींस रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, ठीक है। तो केस नंबर 5 केस नंबर 1 का जस्ट उल्टा ही तो है। यहां पर देखिए इन्फिनिटी पर रखे बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा इमेज फोकस पर, तो बदला लेने के लिए फोकस पर रखे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा, ठीक है। तो केस नंबर 1 केस नंबर 5 जैसा मिरर में आपने कंपेयर किया था वैसा ही लेंस में आप कर सकते हैं। केस नंबर 6 जो कि वहां पर भी स्पेशल था और यहां पर भी स्पेशल है, क्योंकि केस नंबर 6 में नेचर बदलने वाला है इमेज का। अभी तक आप देखिए कि पांचों ही केस में जो लास्ट वाला टर्म हमने लिखा हुआ रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, वो सब में सेम है। बट केस नंबर 6 में जब आप ऑब्जेक्ट को यहां पर लिख दें, हम ऑब्जेक्ट कहां पर आपने रखा था, F1 के ऊपर, यहां पर कहां रखा था, 2F1 और F1 के बीच में। तो केस नंबर 6 में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 और लेंस के बीच कह लीजिए, या F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कह लीजिए, तो ये C1 हो गया और ये F1 हो गया, और ऑब्जेक्ट को इसके बीच में कहीं रखेंगे तो एक पैरेलल रे पास करेंगे और ये फोकस से पास होगी, सेकेंड फोकस F2 से, और एक रे को पास कर देते हैं सी से, दोनों रेज पीछे की तरफ यहां पर डाइवर्ज हो रही हैं, पीछे की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, दैट मींस कभी नहीं काटेंगे उधर, इनको इधर की तरफ ट्रेस करना पड़ेगा। वापस जब ट्रेस करेंगे इस तरफ तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर काटती हुई अपीयर होंगी, और जहां पर काटती हुई अपीयर होंगी उसको जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो ये हो जाएगा इमेज, ये इमेज हो गया, ठीक है। तो जब हम लेंस कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को F1 और C के बीच में कहीं पर रखते हैं तो उसका इमेज उसी लेंस की तरफ बनता है, और साइज क्या होता है, तो साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। कहाँ बनता है, तो F1 से दूर बनेगा कहीं भी, है ना, इधर कोई लोकेशन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ F1 से दूर बनेगा। तो इसका मतलब कि ये जो इमेज बना है ये इमेज बनेगा टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एट या बियॉन्ड F1 कह लीजिए, बियॉन्ड F1 से दूर। नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, तो साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इनलार्ज आप कह सकते हैं। और नेचर की बात करें तो ये इमेज रियल नहीं है, तो इसको आप कहेंगे दैट इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज आपको दिख भी रहा है, ये क्या होते हैं हमेशा इरेक्टेड, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, फर्स्ट फोकस F1 से दूर बनेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन से मैच कर रहा है, उसी के कंपेरेबल है। उसमें भी पहले 5 केस में जो इमेज बनता था वो रियल और इन्वर्टेड था, लास्ट केस में जो इमेज बना था वो वर्चुअल और इरेक्टेड था। लेकिन एक डिफरेंस वहां और यहां में है, वहां पर रिफ्लेक्शन की चीजें चल रही थी, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था तो जितने भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बने थे वो मिरर के लेफ्ट में बनते थे,
यहां पर जितने भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बने हैं वो राइट में बने। इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप मिरर का न्यूमेरिकल कर रहे थे पिछले लेक्चर में तो मिरर के साथ आपको पता ही था कि चलो ये तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो ऐसा होगा। बट जब आपको ये सारा कुछ मिला के एग्जाम में पेपर में आएगा तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लेंस का रियल और इन्वर्टेड है कि मिरर का रियल और इन्वर्टेड है। तो अगर मिरर का रियल और इन्वर्टेड है तो उस मिरर के लेफ्ट में बना होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, लेंस का रियल और इन्वर्टेड है तो रिफ्रैक्शन की वजह से बना है राइट साइड में। मिरर के जितने वर्चुअल इमेज होते थे वो मिरर के राइट में बनते थे, लेंस का जो वर्चुअल इमेज है वो देखिए लेंस के लेफ्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये कुछ एक डिफरेंसेस आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको ध्यान रखने हैं, नहीं तो ऐसा ना हो जाए लेंस और मिरर दोनों मिक्स हो जाए और मिक्स होकर बन जाए खिचड़ी और आपको स्वाद किसी का भी ना मिले। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अब आपको हम बता देते हैं कि कॉन्वेक्स हो गया ना, कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में आपने दो केसेस स्टडी किए थे वैसे ही कॉन्केव लेंस में भी दो केस आएंगे, क्योंकि यहाँ का कॉन्केव वहाँ का कॉन्वेक्स मैच करता है, वहाँ का कॉन्केव यहाँ का कॉन्वेक्स मैच करता है। ठीक है, तो जो कॉन्केव लेंस है उसकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर से मैच कराएंगे तो सिर्फ दो कंडीशन आपको मिलेंगे। कौन कौन से दो कंडीशन वहाँ थे, तो एक फाइनाइट डिस्टेंस का और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस का। तो मान लीजिए कि आपके पास ये है कॉन्केव लेंस और इस कॉन्केव लेंस में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड फोकस F2, यहाँ पर फर्स्ट फोकस F1। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो एक टाइप का इमेज, और हमने वहाँ पर भी आपको बताया था कि इस एक दो को आप एक बना सकते हैं, इन दो को आप एक करके भी याद रख सकते हैं क्योंकि नेचर में कोई चेंज नहीं आता है। बट कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं, इस वजह से हमने दो वहाँ भी बनाया था और दो हम यहाँ भी बताएंगे आपको। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, इनफाइनाइट पर रखते हैं, तो उससे जो रेज इसके ऊपर आएंगी वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल रेज जब पास होती हैं लेंस से तो वो सेकेंड फोकस से होकर गुजरती हैं, लेकिन ये कॉन्केव है तो सेकेंड फोकस तो इधर है और ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है तो ये लाइट को इसको इधर डाइवर्ज करेगी, इसको इधर डाइवर्ज करेगी, दोनों को पीछे मिलाएंगे तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकलते हुई अपीयर होंगी। ठीक है, तो इस F2 को हम क्या बोलेंगे, इसी F2 पर इसका इमेज बन गया। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, एट F2 सेकेंड फोकस पर, और इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा। नेचर क्या होगा, तो रियल में तो लाइट इधर डाइवर्ज हो गई है, इसको तो हमने पीछे ट्रेस किया था, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्टेड। ठीक है, इनफाइनाइट के केस में। लेकिन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर सपोज इधर कहीं हम रख दें किसी भी पोजिशन पर, इधर फाइनाइट डिस्टेंस पर, तो जब पैरेलल रे पास करेंगे तो पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, तो पैरेलल रे आप देखिए ये पैरेलल रे फोकस से पास होगी बट इस फोकस से जा नहीं सकती क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का है और इस फोकस की तरफ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये डाइवर्ज होगी, यानी ये इस तरीके से जाएगी। और एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए जो बिना डेविएट हुए सीधे जाएगी, और ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे ये बन जाएगा आपका इमेज। चूँकि ये वाली जो रे है हमने पीछे की तरफ ट्रेस किया है इसलिए इस इमेज को हम रियल नहीं बोल सकते, ये वर्चुअल है। तो आप कह सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, तो बिटवीन F2 एंड C। कैसा इमेज है, तो स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज डिमिनिश्ड आप बोल सकते हैं, और नेचर क्या है, तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो आप देखिए केस नंबर 1 केस नंबर 2 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये इमेज भी जो बना था वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दायरे में था, ये इमेज भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दायरे में है, ये इमेज भी ऑब्जेक्ट से छोटा था, ये इमेज भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, ये इमेज भी वर्चुअल इरेक्टेड था, ये इमेज भी वर्चुअल इरेक्टेड है, तो नेचर में कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ इतना हुआ है कि आप जब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ते गए तो वही जो इमेज F2 पर बना था बहुत छोटा बना था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है और थोड़ा उसका जो पोजीशन है वो ऑप्टिकल सेंटर की ओर खिसक गया। ठीक है, तो इन दोनों को सिर्फ एक केस के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ इसी तरीके का डायग्राम बना सकते हैं, और यही जब फिर इन्फिनिटी चले जाएंगे तो यही इमेज खिसक के F2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन का तरीका, बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्वेक्स मिरर से ये मैच कर रहा है।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, मिरर और लेंस के केस में कुछ चीजों को समराइज करेंगे। या तो आप ऐसा करिए कि पहले हम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी आपको बता दें, उसके बाद हम लेंस और मिरर को थोड़ा समराइज करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो दिक्कतें आती हैं वो एकदम क्लियर हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाए। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर ले। हम थोड़ा सा लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल जब भी आए तो क्या क्या मेन पॉइंट पर आपको फोकस करना है, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो इसको हम हटा रहे हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन आप देखिए। बिल्कुल, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है उसी को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसको h डैश से एक्सप्रेस करेंगे और इसको h से, तो कुल मिला के हम कर सकते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपान h। इसी को हम I भी बोलते हैं और इसको O भी बोलते हैं। ये लीनियर मैग्निफिकेशन का तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हुआ फार्मूला, बट V और U के फॉर्म में अगर हम कहें तो V इक्वल टू U के इक्वल होता है, यही लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन M इक्वल टू H डैश अपान H इज इक्वल टू V अपान U। अभी हम कंपेयर करते हैं इसको मिरर के फार्मूले से, बट अभी के लिए आप ये देखिए, और यहां से आपको फिर वही बात याद रखनी है कि अगर जो आपका इमेज बना है एच डैश, वो इमेज कैसा है, रियल है, तो रियल इमेज आपने देखा कि रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऐसे बन रहे थे, तो अगर नीचे की तरफ रियल इमेज बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज तो नेगेटिव आएगा, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऊपर रखते हैं, तो रियल इमेज के केस में जो एच होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वो पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ इमेज होगा वो नेगेटिव होगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो जो इसका रेशियो एम आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। और वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज के केस में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो तो ऊपर ही बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, तो ऊपर ही बनेगा, तो ये इस तरह से बनेगा, तो ऐसे में हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, और हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव रहता ही है, दोनों पॉजिटिव है, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये बात तो आपने वहां भी देखा था कि रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि लेंस और मिरर, लेंस और, अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पर ये जो वी और यू है, आप वी और यू का रेशियो एक और जगह से निकाल सकते हैं, मतलब कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो फोकल लेंथ के रूप में हमने मिरर के केस में न्यूमेरिकल के दौरान बताया था, तो यहां पर भी आप उस चीज को याद रखें। कैसे, देखिए 1/f = 1/v - 1/u, यही होता है फार्मूला लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए, और इसमें जो v अपान u है वही आपका मैग्नीफिकेशन है, तो v अपान u निकालने के लिए v से मल्टीप्लाई करिए, तो v अपान f, यहां से v कैंसिल हो जाएगा, और -1 - v अपान u, इसको इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा, v अपान u इज इक्वल टू 1 - v अपान f, तो इसको डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, यानी सॉरी सॉल्व करिए, f माइनस v अपान f, यही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि v अपान u जो है वो f माइनस v अपान f के इक्वल होता है, एक तो मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, और एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आप इसमें v की बजाय u से डिवाइड कर दीजिए, अगर हम सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v की बजाय अगर आप u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u, आप u से पूरा मल्टीप्लाई करिए, तो u अपान f u अपान v माइनस वन, इसको इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा, u अपान v किसके इक्वल आएगा, u अपान f माइनस वन, दैट मीन्स u माइनस f अपान f, और इसको उल्टा कर दीजिए तो v अपान u किसके इक्वल आ गया, f अपान u माइनस f। ठीक है, तो एक आपको यहां से भी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिल जाएगा। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन वहां पर भी हमने आपको बताया था मिरर के केस में कि फोकल लेंथ के रूप में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन v अपान u इस लेंस के फार्मूले से आप सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसे और ऐसे भी लिखा जा सकता है। मिरर के केस में आप क्या करते, यहां पर प्लस करके सॉल्व करते तो यहां पर थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाता, यहां पर भी हल्का सा चेंज होता और बाकी चीजें एकदम सेम थी। ठीक है, ये f माइनस u टाइप का आएगा, यहां पर f माइनस v माइनस f टाइप का आएगा, तो इस तरीके का जो रिजल्ट आता है उसको भी आप लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में ऐड कर सकते हैं। तो इतना आप नोट करिए, थोड़ा सा हम कंपेयर कर देते हैं लेंस और मिरर को। चलिए, तो मिरर और लेंस को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर में कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में क्या हुआ था, 5 केस में इमेज रियल बना था, 1 लास्ट केस में इमेज
वर्चुअल बना था, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल। क्लियर। इस वर्चुअल और इस वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, तो कॉनकेव का जो वर्चुअल बनता है लास्ट केस में उसकी हाइट ज्यादा होती है, और कॉन्वेक्स में जो बनता है उसकी हाइट कम होती है। इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, जबकि कॉनकेव में जो लास्ट वाले केस में, छठे केस में, जो एक सिंगल टाइम है, छठे केस में जो इमेज बनाता है वर्चुअल वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ठीक है। तीसरी बात कि मिरर के केस में, चाहे जो भी मिरर हो उसमें जो रियल इमेज बनता है वो रियल इमेज हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक, और जो वर्चुअल इमेज बनता है वो मिरर के राइट साइड में बनता है, चाहे वो लेंस आप मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर वर्चुअल है तो राइट साइड में, अगर रियल है तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। मिरर के केस में जो फार्मूला हम यूज करते हैं यू वी और एफ के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है मिरर के केस में। लेकिन और इनका जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला होता है h-h, ये तो डिफिनीशन है, दैट इज इक्वल टू -v/u। तो याद करने वाली बात ये है कि जब इसके इस फार्मूले में प्लस है तो इसके मैग्निफिकेशन में माइनस है, ये याद करने वाली बात है। अब आइए आप लेंस में, लेंस में भी आपने दो लेंस देखे, तो कॉनकेव मिरर जो काम करता था वैसा काम यहां किसने किया था, कॉन्वेक्स लेंस ने, कॉन्वेक्स लेंस ने। क्या हुआ कॉन्वेक्स लेंस में, तो पांच केस में इसने बनाया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और एक केस में बनाया, सिर्फ एक केस में बनाया वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। क्लियर। जो काम यहां पर कॉन्वेक्स मिरर करता था वैसा काम यहां पर किसने किया है, कॉनकेव लेंस ने किया है। क्या किया है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। इस वर्चुअल और इस वर्चुअल में डिफरेंस क्या था, तो इनका जो वर्चुअल था ये अभी भी इसी तरीके की बात है कि इनका जो वर्चुअल है वो इनके वर्चुअल से साइज में बड़ा था, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो रियल इमेज यहां पर बने हैं लेंस के केस में वो सभी रियल इमेज लेंस के राइट साइड में बने, ठीक है, जो कि मिरर में लेफ्ट में होता था लेंस में वो रियल इमेज राइट साइड में बने, और जो वर्चुअल इमेज बने हैं वो किधर बने हैं, तो ये राइट में बना है और वर्चुअल वाला लेफ्ट में बना हुआ है, चाहे जो भी लेंस हो, दोनों की हम बात कर रहे हैं। और चौथी बात फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये 1/f 1/v यहां माइनस होता है, मिरर में प्लस तो लेंस में माइनस। मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इज इक्वल टू h-h, ये डिफिनीशन है, और जब देखिए यहां पर प्लस था तो इसके मैग्निफिकेशन में माइनस, जब यहां पर माइनस है तो इसके मैग्निफिकेशन में प्लस, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है वो आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि कब किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। तो अगर राइट और लेफ्ट आप समझते हैं, रियल और वर्चुअल समझते हैं, तो साइन कन्वेंशन आपको वही यूज करना है, इस केस में भी वही साइन कन्वेंशन की ऑप्टिकल सेंटर। अब वहां पर देखिए मिरर में आप ये लिख सकते हैं, मिरर में जो इंपॉर्टेंस पोल का होता है लेंस में वही इंपॉर्टेंस ऑप्टिकल सेंटर का होता है, ऑप्टिकल सेंटर सी का। मिरर में सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, ऑप्टिकल लेंस में सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव नीचे साइड नेगेटिव। क्लियर है, तो इसको आप जरूर नोट करेंगे, भले ही इसके पहले आपने कोई पॉइंट नोट किया है तो या नहीं किया है, इसको आप जरूर से नोट करिए। और इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक है छोटे छोटे, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और कई लेंसेज को जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ या पावर कितना हो जाता है। ये देखिए पावर ऑफ लेंस का मतलब यह है कि लेंस का जो भी काम है वो उस काम को कितनी इफिशियंसी के साथ कर रहा है। जैसे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस का काम यह होता है कि ये लाइट को कन्वर्ज कर दे, है ना, इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसको ये कन्वर्ज कर देता है। तो जितना ज्यादा ये लाइट को कन्वर्ज करेगा इसका मतलब कि हमारा लेंस उतना ज्यादा पावरफुल है।
अब आप देखिए कि पैरेलल रेज को ये कहां से पास करता है, ये फोकस F2 से पास करता है। अगर मान लीजिए इसका फोकस F2 यहां की बजाय यहां पर होता तो फिर ये पैरेलल रे को यहां पर यहां से ऐसे फोकस कर देता, मतलब और ज्यादा लाइट को कन्वर्ज करता, और ये फोकस यहां की बजाय यहां पर होता तो ये और ज्यादा फोकस करता, क्योंकि पैरेलल रे को ये फोकस से ही पास करेगा। और अगर मान लीजिए फोकस ये F2 यहां होने की बजाय यहां कहीं होता तो ये क्या करता, तो फिर ये इस लाइट को यहां से ऐसे पास करता। तो आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो रियल टैलेंट है वो है लाइट को कन्वर्ज करना, और लाइट को ये कितना ज्यादा कन्वर्ज करेगी तो ये डिपेंड कर रहा है कि इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है। जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना कम कन्वर्ज करेगा। फोकल लेंथ आप घटाते गए ये लाइट को कन्वर्ज करता गया, कन्वर्ज करता गया, कन्वर्ज करता गया। इसका मतलब कि फोकल लेंथ को डिक्रीज करने से लेंस का पावर इंक्रीज होता है। फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना ज्यादा होगा। यह सिर्फ कॉन्वेक्स के केस में नहीं, यह कॉन्केव के केस में भी लागू है। आप देखिए कि कॉन्केव का काम क्या होता है, कॉन्केव का काम होता है लाइट को डाइवर्ज करना। तो अगर हम इसके ऊपर भी पैरेलल रे इंसिडेंट करें तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज करती है तो कैसे करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये सेकेंड फोकस F2 से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये टैलेंट कॉन्केव का है कि ये लाइट रे को डाइवर्ज करती है, और लाइट रे को कन्वर्ज करने का टैलेंट कॉन्वेक्स का है। तो ये जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतना ज्यादा पावरफुल हुआ, ये जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उतना ज्यादा पावरफुल हुआ। आप देखिए कि अगर इस लेंस का फोकस F2 यहां पर है तो ये जो लाइट इसने डाइवर्ज करी उसको पीछे आपने बढ़ाया तो F2 से निकलता हुआ अपीयर हो रहा है। मान लीजिए F2 यहां की बजाय अगर यहां पर होता, थोड़ा हम फोकल लेंथ बढ़ा के चेक कर रहे हैं, तो अगर ये यहां पर होता तो ये लाइट ऐसे निकलती जैसे लगता, यानी यहां से लाइट को ये डाइवर्ज करती और इसको आप पीछे बढ़ाते तो ये यहां से निकलती हुई अपीयर होती। ठीक, और अगर फोकल लेंथ इससे कम करके हम देखें यहां पर, तो ये पैरेलल रे इस तरीके से ये डाइवर्ज करती कि इसको ये लगता कि ये पीछे यहां से निकल रही है, यानी कि ऐसे निकल रही है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेंस की फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लेंस जो लाइट रे है वो कम डाइवर्ज हो रही, कम डाइवर्ज हो रही है, और जैसे जैसे फोकल लेंथ हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे लाइट रे उतना ज्यादा डाइवर्ज हो रही। तो यहां से भी ये बात पता चलती है कि फोकल लेंथ घटाने पर कॉन्केव लेंस का पावर बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों में ये बात लागू होती है, बट इसका काम, इसका टैलेंट अलग है, पावर पहचानने का तरीका, इसका पावर पहचानने का तरीका अलग है। तो हर एक आदमी की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह लीजिए या जो उसका अपना टैलेंट होता है उसके बेसिस पर हम उसका पावर डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना कितना खाते हैं इससे हमारा पावर आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम अगर मेहनत कोई कर रहे हैं, सपोज कि हम मजदूरी कर रहे हैं, तो हम कितना दिन भर मेहनत हमने किया है वो हमारा पावर डिसाइड नहीं करेगा। हमारा काम टीचिंग का है, हमारा काम रीडिंग का है, तो हमारा अगर काम रीडिंग का है तो हमारा रीडिंग से डिसाइड करेंगे आप पावर। टीचिंग का काम है तो टीचिंग से आप डिसाइड करेंगे हमारा पावर। मजदूरी करने का है तो मजदूरी करने से डिसाइड करेंगे हमारा पावर। तो जिसका जो प्रॉपर्टी है, जो काम है, उसके बेसिस पर पावर डिसाइड करते हैं। तो ये लेंस का काम कन्वर्ज करना है, ज़्यादा कन्वर्ज करना, बिल्कुल डाइवर्ज नहीं करना। तो जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगी उतना ज़्यादा पावरफुल, ये जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगी उतना ज़्यादा पावरफुल। दोनों ही केस में आपने देखा कि फोकल लेंथ घटाने से पावर बढ़ता है, और एक इसका डायरेक्ट एक फार्मूला भी है, P इज इक्वल टू 1/F। लेकिन ध्यान रहे ये फार्मूला कब, जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तब। तो जब फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ मीटर में होगा तो पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/F, और ये जो पावर आया है इसका यूनिट होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, और इसको कैपिटल D से एक्सप्रेस करते हैं, इसके यूनिट है पावर की। और मान लीजिए फोकल लेंथ मीटर की बजाय सेंटीमीटर में है तो यही फार्मूला आपका 100/F हो जाएगा, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तब। तो पावर ऑफ लेंस का ये फार्मूला आप याद रखें। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि अगर अलग अलग लेंसेस हैं तो इनका पावर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला भी आपने देखा। लेकिन अगर कई लेंसेस को हम कंबाइन कर दें, जैसे कि लास्ट टॉपिक हमारा ये है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, तो अगर हम कई लेंसेज को आपस में कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने के बाद जो इफेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक लेंस ये है, एक लेंस आपने यहीं पर और रख दिया, इस लेंस की फोकल लेंथ F1, इस लेंस की फोकल लेंथ F2, तो ऐसे में जो पावर होगा अब इस पूरे लेंस का, कंबाइंड लेंस का, तो कंबाइंड लेंस का पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वन अपान कैपिटल एफ, कैपिटल एफ का मतलब क्या, इस पूरे लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपान फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ और एक अपान वन अपान सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ। और मान लीजिए कि पहले लेंस का मैग्निफिकेशन एम वन है, दूसरे का मैग्निफिकेशन M2 है, तो कंबाइंड लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, पावर आपस में भले ही ऐड हो जाता है लेकिन मैग्निफिकेशन एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन होता है, M1 into M2 एंड सो ऑन, अगर दो से ज्यादा लेंसेस हैं तो सबके मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्ट मतलब न्यूमेरिकल तो आने का तो आ ही सकते हैं, बट ये जो केस है ना ये बहुत बार पूछा जाता है और इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है अक्सर दिमाग में ये एक क्या थॉट है उसके बेसिस पर लोग सोचते हैं कि अगर एक लेंस है और एक लेंस और है, एक लेंस और है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो जितना एक की वजह से होता था उतना प्लस बाकी सब लोगों का, तो एडिशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा आता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में बढ़ती है, M1, M2, M3, M4 ऐसे बढ़ जाती है, जबकि पावर इनका ऐड हो जाती है सिंपल सा P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो जब भी लेंसेस को हम कंबाइन करें, कंबिनेशन ऑफ थिन लेंसेस में P इक्वल टू P1 प्लस P2, फोकल लेंथ के फॉर्म में 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2, ठीक है। ये कब का केस है, ये तब का है जब दोनों लेंसेस के बीच में कोई भी डिस्टेंस ना हो। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास जो लेंस है, एक ये लेंस है एक ये लेंस है, और दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, F1 फोकल लेंथ F2 फोकल लेंथ, तो यही फार्मूले थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे, यहाँ पर मैग्निफिकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। फोकल लेंथ के लिए लिखेंगे तो 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 माइनस D अपान F1 F2। ध्यान रहे कि जब D सेपरेशन होगा तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, जब कोई सेपरेशन नहीं होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, क्लियर है। तो लेंसेस के कम्बिनेशन में आपको दोनों याद रखना है। एक चीज़ और पूछा जाता है लेंसेस के कम्बिनेशन में कि अगर मान लीजिए एक लेंस ये है और एक इसके साथ, जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्वेक्स ही हो, ऐसा हो सकता है एक कॉन्वेक्स हो और दूसरा कॉनकेव हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दोनों कॉनकेव हो, तो जिस भी तरीके का केस आपको दिया जाएगा फोकल लेंथ आप उसी तरीके का लिखेंगे। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव। होता क्या है कि एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि एक कॉन्वेक्स है और उसके साथ एक कॉनकेव कंबाइन किया गया है, आपको बताना है कि दोनों का जो इफेक्ट होगा वो कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा कि कॉनकेव की तरह काम करेगा। तो जो भी फार्मूला आपके पास यहाँ पर है वो फार्मूला आप यूज करिए और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए या पावर निकालिए। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स का। तो जब रिजल्टेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो कंबाइंड लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, और रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निगेटिव आ जाए तो निगेटिव फोकल लेंथ तो कॉनकेव का होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट ये कंबाइंड जो लेंस है वो कॉनकेव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन कौन से लेंस की तरह काम कर रही होगी, तो आप उसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ या रिजल्टेंट पावर निकालिए, उसका जो साइन आता है प्लस आता है या माइनस आता है उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगी कि कॉन्वेक्स की तरह, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे इसमें नॉलेज का पूरा खजाना आपने देखा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने देखी, और आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करते हैं कि आज यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं, आप सब लोग इसको नोट करें, इसको रिवाइज कर लें, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें जितना भी टॉपिक आज हमने कवर किया है इन सब के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, धन्यवाद।